दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में ऐसे समाज से भी पास में बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा सोशल वर्क किया है। वर्तमान में रिटायरमेंट होकर के आए अभी हमारे राधेश्याम चौधरी जी, जो एमपी पुलिस में रहे, बहुत अच्छे समाज से भी हैं और सर्विस के दौरान भी बहुजन समाज के लोगों का बहुत अच्छा भला किया है। हम आपको आज रूबरू करा रहे हैं। तो सर जी, जय भीम नमोबुद्धाय। तो सर जी, पहला क्वेश्चन हमारा आपके लिए है कि आपने सर्विस के दौरान बहुजन समाज के लोगों का कैसे भला किया, आप बताएं। साथियों, मैं मध्य प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल के पद से भर्ती हुआ, रतलाम से, उज्जैन से 77 में, और यहीं से मेरा जो जीवन शुरू हुआ पुलिस का। विभिन्न पदों पर रहते हुए जब मैं अनुसूचित जनजात कल्याण में लीडर टू डीएसपी था, मेरे सामने एक घटना आती है जो ऐसी समाज वहाँ से कुछ प्रताड़ित था सवर्णों से जी। उसमें एक नागदा पड़ता है जो काफ़ी चर्चित है, वहाँ से विधायक थे जी। उनके गांव में सवर्ण लोग ऐसी लोगों को वहाँ तक कि छुआछूत तक चाय तक उनको दही पीने देते थे या उनके लिए कप अलग से रखते थे जी। जब मैं लीडर टू डीएसपी रहा तो मुझे लोगों ने पहचाना, सुना, देखा, तो हमारे पास शिकायत लेके आए और मैंने उनकी शिकायत को गंभीरता से सुना। सुन के अपने डीएसपी लीडर बुधाए डीएसपी साहब को, उन्होंने कहा भाई इनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, तो मैंने उनकी मदद की और मदद करने के बाद सबको बुला के 20-25 लोगों को सुना जी। तो इतने पीड़ित थे कि ना ही बाल नहीं काटता था उनके, चाय वाला चाय नहीं पिलाता था जी। तो जब उनको हमने पूरी गहनता से जांच की और लीडर साहब को उनको डीएसपी साहब को बताया जी, तो उन्होंने अपराध पंजीबद्ध करवा दिया और उस अपराध पंजीबद्ध होने के बाद विधायक जी स्वयं आए जी। और कुछ उनने वैसे प्रयोग किया जैसे सामंतशाही लोग करते हैं, लेकिन हम लोग अपने पद से कार्य से विचलित न होकर उनको समझाने का प्रयास किया कि कैसे हमारा समाज भी सुधर जाए और आप भी सुधर जाए। सही। फिर एक बैठक ली, बैठक लेके लेने में उनका निर्णय हुआ कि हम आज से एससी और बीसी वालों के साथ कोई छुआछूत नहीं करेंगे, मेरा मुकदमा वापस कर लिया जाए। पूरा गांव की सामंजस्य बिठा के वहाँ वो खाई प्रथा को बांटने का काम किया जी। ऐसे जब मैं रतलाम में रहा तो वहाँ भी पुलिस फोर्स में होने के नाते अधिकारी को दबाव होता था जी। तो दबाव में कौन परेशान होता है, सबसे ज़्यादा निम्न तबके का लोग जी। क्योंकि मैं उस समय राजनीति में नहीं था और ये बहुजन लोगों ने समझता था सिर्फ एससी एसटी व्यवस्था था, बाबा साहब से भी कम परिचित था मैं उस समय जी। लेकिन अपना एक धर्म समझता था कि हम आज पुलिस में पद पे हैं तो अपने जो दबे कुचले लोग हैं तबके के जी, जो पुलिस से सताए जाते हैं या समाज से सताए जाते हैं जी, तो उनको कैसे राहत दे। तो मैं जगह जगह जहाँ भी मेरी बात बनती मैं उनको सहायता करने का काम करता और कई जगह ऐसे लोगों की सहायता करी। मेरे अधिकारियों से भी टकराव हुआ, लेकिन टकराव में लास्ट में जीत भाई होती क्योंकि बहुत से सपोर्टर हमारे हो जाते। सर जी, कई बार हमने ऐसा भी सुना है और अपनी आंखों से देखा भी है कि जहाँ जहाँ लोग बड़े सर्विस पे पदाधिकारी हैं तो वे लोग अपनी जात के आगे कुछ लिखते नहीं हैं, अपने नाम के आगे, तो किस लिए नहीं लिखते हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो जात को आगे लिखेंगे, चौधरी लिखेंगे या दोहरे लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे अपने जात के आगे, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल जी, बहुत बहुत क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि उस समय की आज और आज की तुलना करें तो यूपी तो काफ़ी हद तक सुधर चुका है, लेकिन जो हमारे और जात और ज़िले हैं और प्रदेश हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात देता हूँ, मैं ज़्यादा रहा हूँ और 29 साल मैंने सर्विस करी वहाँ, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब कोई भी ऐसी व्यक्ति पद आगे ले लेता बढ़ जाता है जी, तो उसको हीन भावना से देखा जाता है। अच्छा, अच्छा। कि जी हमारी बराबरी पे कैसे आ गए, इसलिए नहीं लिखते हैं क्या? इसीलिए वो जो है अपनी जात छुपाने के लिए कहीं सरबा कहीं कुछ चौहान कोई कुछ लिखता है।
लेकिन वो होता क्या है, जब वो एसीआर लिखा रहता है तो उसमें तो स्पष्ट लिखा रहता है, तो वो लोग जो पदों पर आगे बढ़ते हैं उनके पद अवरद भी करवा देते हैं, क्योंकि साल में एक बार हमारे के खाने लगा जाता है वार्षिक, तो उसमें भी वो दबाने का काम करते हैं जिससे हम लोग आगे न बढ़ पाए। ये भी कठिनाई, मतलब कहीं ना कहीं आपको जात की परेशानी झेलनी पड़ती है, हर जगह झेलनी पड़ती है। बहुत अच्छा सर जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि सेवानिवृत्त के बाद आपने अपने बहुजन समाज के लिए क्या क्या किया? देखिए सर, जब मैं 18 साल की उम्र से ही निकल गया था तो यहाँ के वातावरण में पढ़ा जरूर था, लेकिन वो मुझे दिखता था कि मैं कहाँ से गुजरा हूँ, कहाँ तक पहुँचा हूँ, कैसे सब इंस्पेक्टर बना हूँ। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ इतना बड़ा सिरसा कराड़ गाँव है, यहाँ बाबा साहब की वैसे स्टेचू खुली नहीं है, लेकिन हमने जब यहाँ के लोगों को देखा, क्योंकि राजनीति से ही वास्ता हो गया था यहाँ, तो मैंने सबसे पहले यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विकास समिति का निर्माण किया और उसको चलाने और उसके माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाने को शिक्षा देने का काम किया, जागृत किया। इसके बाद जब जागृत हम धीरे धीरे करने लगे तो वहाँ से लगातार हम 14 अप्रैल 6 दिसंबर बाबा साहब सब मनाते रहे, जागृत करते रहे। यहाँ रोड नहीं थे, रोडों पर प्रयास किया, आज सीसी है, बिजली नहीं थी, अपने संगठन पूरे समाज को संगठित करके इसमें सब में जनसेवाई से, कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं रहा इसमें, सभी का सहयोग करके। अच्छा सर जी, मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि जहाँ मेरे बहुजन समाज की नालियाँ हैं, गलियाँ हैं, वहाँ शायद है कि अब तो बहुत अच्छा विकास दिखाई दे रहा है, RCC भी पड़ी हुई है, तो शायद है कि आपने इसका बहुत आगे से वो कार्यक्रम किया है? नहीं, बहुत आगे से तो नहीं, लेकिन जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ वातावरण अच्छा होता है, और उन्हीं सब बातों को बाबा साहब को पढ़ के मैं इस निष्कर्ष पर निकला कि जो हमारी रहने की जगह अच्छी नहीं है तो हमारे विचार वहाँ कैसे अच्छे होंगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, तो सफाई में भी विशेष ध्यान दिया। जी 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 जी। सर जी, अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है आपसे, बात आती है बाबा साहब की जो तीन बिंदु हैं, जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस बिंदुओं पे आपने क्या क्या काम किया है शिक्षा के मामले? पहले बताइए। देखिए साहब, ऐसा है कि जब मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विकास समिति का निर्माण किया तो पहले मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था, मुझे बड़ी दिक्कत आई 14 अप्रैल मनाने के लिए, यहाँ के जो ऐसे साहब थे उन्होंने भी मना कर दिया। तो हम लोगों ने बैठ के ये किया कि पहले अपनी समिति का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, तो 2019 में हम लोगों ने अपनी समिति का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश सरकार से करवाया, और करवाने के बाद प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जात में, चाहे SC हो चाहे OBC हो, हमारी समिति में SC और OBC दोनों समाज के माइनॉरिटी भी थी जी, तो जो जो महापुरुष जिसके यहाँ जिस भी जात में हुए हैं, हमने उनके यहाँ छोटी छोटी मीटिंग करके उनको जागृति पैदा करने का काम किया। तो ये इससे हम संगठित भी हुए शिक्षा के क्षेत्र में, जब मैं वहाँ इसका संस्था का संस्थापक हूँ जी, और मेरे जो अध्यक्ष हैं दीपक वर्मा प्रतिनिधि हैं, वो मास्टर भी वर्तमान में, उनके सहयोग से मैंने जब ये विचार पैदा हुए कि क्या करना है, तो हमने कि हमारे क्षेत्र में जो कोचिंग सेंटर में जाने के लिए, कोचिंग सेंटर जाने के पैसे नहीं जी, तो हमने कहा कि हमारे पास कुछ मास्टर हैं, कुछ हमारे पास जगह है, तो हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाएं। क्या बात है सर जी। तो हमने यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुमति लेके 30 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया, और स्टूडेंट पूरा फ्री, बैठने की फ्री व्यवस्था की, या जो माता सावित्रीबाई फूले के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ उसका, वो 25 बच्चे पढ़ाने का हमने काम किया। एक साल 25 बच्चों को पढ़ाया, उसमें लड़का और लड़की ये सभी समाज की थी, उससे समाज से कोई मतलब नहीं, SC हो OBC हो BC हो, शिक्षा में कोई भी, तो निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया। और अपनी समिति के माध्यम से मैंने 6 समितियाँ और गांव में जी, जैसे जखा है, दिगौरा है, बिटारी है, जाटोली है, मिसुरपुरा है, इन क्षेत्रों में भी हमने संगठन के प्रति जागरूकता का काम किया, बाबा साहब की विचारधारा पहुँचाई, मानवर फूले साहब की विचारधारा पहुँचाई, इनका जो अभी तक चलता रहा धीरे धीरे, कोरोना काल बीच में आ गया है, इसलिए हमारे कुछ काम स्थगित पड़े हैं, आगे हम और भी डेवलप करने जा रहे हैं।
सर जी, हमने देखा कि आसपास गांव में चर्चा भी आपकी की है, लोग बागों ने हमें बताया कि राधे श्याम चौधरी जी ने बहुत अच्छा काम किया और शायद भी गांव-गांव जाकर के जन जन तक बाबा साहब और महापुरुषों की जो विचारधारा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए होता है।